हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर टू करेंगे जो कि क्लास सेवेंथ की है और विषय है गणित ये वर्कशीट एट अप्रैल 2021 की है तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट आंकड़ों का संग्रहण ये वर्कशीट सेम है जो पहले वर्कशीट आई थी लास्ट ईयर आई थी और जो अब आई है सेम है अगर कुछ चेंजेस होगा या अब से आपको रोज नई वर्कशीट ही करवाई जाएगी आप चाहें तो पहले वाला वीडियो देख लीजिए चाहे इससे कर लीजिए जैसे आपको ठीक लगता है तो शुरू करते हैं वर्कशीट डेटा तथ्यों का एक संग्रह संग्रह है जिसे संख्या जैसे कि संख्या शब्द माप अवलोकन या चीजों का विवरण देखो क्या कहा जा रहा है कि डाटा डाटा क्या होता है जिसमें क्या किया जाता है संग्रहण किया जाता है इकट्ठे किए जाते हैं जैसे कि संख्या को कर दिया शब्द माप को कर दिया अवलोकन को कर दिया या चीजों के विवरण को इकट्ठा किया जाता है उसे हम डाटा कहते हैं देखो अब आगे क्या कहा गया है अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि किसी विषय में उनक, उनके अंक उनके पसंदीदा पोशाक प्रिय खेल या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है जानना चाहते हैं तो अपनी ज़रूरत के अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रहण करते हैं देखो मान लो आपको आपके पंद्रह बीस फ्रेंड्स हैं और आप उसमें से देखते हैं कि किसका फ्रेंड किस, किस मंथ में आता है तो वो सबको आप कलेक्ट करेंगे सबसे इन्फॉर्मेशन लेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं आंकड़ों का संग्रहण तो आइए आंकड़े एकत्रित करते हैं तो देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर समझाया गया है हम समझते हैं क्या कहा गया आंकड़ों का संग्रहण आंकड़ों से आवश्यक विशेष जानकारियों को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है जो भी आंकड़ों से विशिष्ट जानकारी मिलती है उनको ध्यान में रख के हम उसे मतलब चार्ट बनाकर बहुत अच्छे तरीके से उसे अभिव्यक्त करते हैं देखो क्या कहा गया है सबसे पहले कि मानो कि अपने दोस्तों रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जाने कि किस महीने में उनका जन्मदिन आता है आप अपने आस पड़ोस घर परिवार रिश्तेदारों से बात करें बीस पच्चीस लोगों से और उनसे बात करिए कि उनका जन्मदिन कब आता है कौन से महीने में आता है कम से कम पंद्रह या उससे अधिक इच्छा मतलब ज़्यादा हो जितने ज़्यादा होंगे हमारे पास में डाटा संग्रहण जो है आंकड़ों का संग्रहण उतना ही ज़्यादा होगा इस डाटा की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए तो आपने आसपास से पूछेगा कि किसका जन्मदिन कौन से महीने में आता है और उससे फिर तालिका में भरना है जैसे कि देखो इसमें क्या करेंगे आप महीने का नाम दिया गया है व्यक्तियों की संख्या दी गई है तो सबसे पहले जैसे कि जनवरी में कितने का आता है मान लो कि दो आता है फरवरी में भी दो का आता है मार्च में हम कह देते हैं कि तीन लोगों का जन्मदिन आता है मतलब मेरे आसपास के लोगों का बता रही हूँ अप्रैल में एक का आता है मई में दो लोगों का जन्मदिन आता है जून में चार लोगों का जन्मदिन आता है जुलाई में तीन का आता है अगस्त में एक का सितंबर में दो का अक्टूबर में भी दो का नवम्बर में फोर का और दिसंबर में टू का या थ्री का ठीक है तो इस तरह से आप भी डाटा को इकट्ठा करेंगे अलग अलग लोगों से और उसे यहाँ पर फिल करेंगे ठीक है अपने आसपास के लोगों उनके अनुसार यहाँ पर आपको करना है आप देखिए प्रश्न नंबर उदाहरण यहाँ पे सातवीं कक्षा के बीस छात्रों की हॉबी इस प्रकार है यहाँ पे एक दूसरी ये तो हमने कलेक्ट किया अब यहाँ पे क्या दी गई है हॉबी दी गई है जैसे कि आर मतलब की है पढ़ना रीडिंग डब्ल्यू मतलब राइटिंग लिखना और एस मतलब सिंगिंग मतलब कि गाना तो देखो यहाँ पे दिया गया है अगर अब हम देखते हैं पढ़ना कितना लोगों ने पढ़ना पढ़ना पसंद लगता है रीडिंग कितने को अच्छे लगते है? एक दो तीन चार पाँच छः लोगों को तो कितने लोगों को रीडिंग अच्छी लगती है सिक्स लोगों को लिखना कितनों को अच्छा लगता है एक दो तीन चार देखो चार पाँच कितने लोगों को अच्छा लगता है रीडिंग कि, राइटिंग कितने लोगों को अच्छी लगती है लिखना पाँच लोगों को और गायन देखो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ लोगों को यहाँ पर गायन अच्छा लगता है तो देखो छः पाँच नौ ये हमारे पास में डाटा आ गया और हम पूरी एक्टिविटी बताएं तो बीस लोग हैं टोटल कितने लोग हैं बीस हमारे यहाँ निकल गए बीस हमारे टोटल छात्र हैं जिसमें से छः को क्या अच्छा लगता है पढ़ना अच्छा लगता है पाँच को लिखना और बीस को गाना अच्छा, सॉरी नौ को क्या अच्छा लगता है गाना अच्छा लगता है तो ये सिर्फ एग्जांपल है यहाँ पे ये वाली जो एक्टिविटी है ये आप अपनी जो क्लास वर्क की कॉपी है उसमें करेंगे नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए अभ्यास करते हैं अब एक क्वेश्चन दिया गया है दस लड़कियों की ऊंचाई सेमी में मापा गया तथा तो परिणाम निम्न अनुसार है दस लड़कियों को लिया गया और उनकी हाइट को नापा गया एक सौ पैंतीस पचास वन थर्टी एट वन फिफ्टी थर्टी टू वन फोर्टी नाइन वन फोर्टी थ्रेन वन फोर्टी फोर वन ये इनकी हाइट दी गई है अब देखो क्या कहा गया कि सबसे ऊंची लड़की की ऊंचाई क्या है सबसे ऊंची लड़की की ऊंचाई क्या है वन फिफ्टी वन ठीक है सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई क्या है देखो ध्यान से सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई क्या है यहाँ पे वन ट्वेंटी एट उसी के साथ में है ना अब क्या कहा गया प्रश्न नंबर तीन देखिए ये करना है आपको नोटबुक में एक ये करना है अब सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई से छोटी लड़की की ऊंचाई को घटाइए सबसे छोटी नहीं यहाँ पे सबसे बड़ी लड़की आ जाएगा सबसे बड़ी लड़की की ऊंचाई से छोटी लड़की की ऊंचाई को घटाएं ठीक है यहाँ पे बड़ी हो जाएगा तो सबसे बड़ी कौन सी है 151 फिफ्टी वन और सबसे छोटी कौन सी है वन ट्वेंटी एट इन्हें हमें क्या करना है घटाना है घटाएंगे तो कितना आएगा ध्यान दे दिए आपको घटाना तो आता ही है ना कितना आएगा यहाँ पर तीन आ जाएगा ठीक है यहाँ पर कितना हो जाएगा टू तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी थ्री सेंटीमीटर हम लिख देंगे ट्वेंटी थ्री सेमी ठीक है अब यहाँ पे हमने क्या किया सबसे ज्यादा में से सबसे कम को घटाया तो उसे क्या कहते हैं परिसर अधिकतम में से न्यूनतम को घटाव अगर हमें करना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं रेंज कहते हैं या परिसर कहते हैं जब इसी तरह से आपको आंकड़े दिए जाए उसमें कहा जाए सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा में से सबसे कम को घटाना है तो इसे हम क्या कहेंगे रेंज कहेंगे तो इसका मतलब है कि फिफ्टी वन ट्वेंटी एट से शुरू होकर ये पूरी जो लेंथ है वो कितनी है वन फिफ्टी वन तक है तो ये क्या हो जाएगी यहाँ की रेंज हो जाएगी तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है अच्छा यहाँ पे यह देखो दिया परिसर बराबर क्या हुआ अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य परिसर क्या हो गया अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू